हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्याम इलेक्ट्रिक में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में पांच तरह का हम ऐसे क्वेश्चन और आंसर जानेंगे जो कि रिसेंटली मेरे दोस्त से पूछा गया था। तो आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर है। आप ये वीडियो पूरी देखें, और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बिना स्किप किए पूरे देखें। तो आपसे पूछा जाएगा हमारे घरों में न्यूट्रल कहाँ से आती है, और सेकंड पूछा जाएगा अर्थिंग क्या है, अर्थिंग के कितने प्रकार होते हैं, थर्ड पूछा जाएगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगने का कारण क्या है बताएं, और फोर्थ पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, और फिफ्थ पूछा जाएगा सिरिंज मोटर को नो लोड पर क्यों नहीं चलाते हैं। ठीक है दोस्तों आपको बता दूं, इसमें हम 100% आपको क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं जो कि बिल्कुल डिटेल्स में, ठीक है, और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ये वीडियो पूरी देखें, अगर पुराने हैं तो कमेंट करें आपकी ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जानेंगे हमारे घरों में न्यूट्रल कहाँ से आता है। ठीक है दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में न्यूट्रल कहाँ से आता है, और ये किस तरह हम प्रोवाइड करते हैं अपने घरों में न्यूट्रल, ठीक है, और इसका काम क्या है। तो आइए हम लोग बिल्कुल डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है, और ट्रांसफार्मर से पोल में ट्रांसफार्मर जो लगा है, यहाँ से आपके घरों में जो एक फेस और एक न्यूट्रल जा रहा है, ठीक है ना दोस्त। प्राइमरी जो होता है इसका ना, ये प्राइमरी इसका ट्रांसफार्मर का होता है 11000 वोल्टेज, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं ये ओवरहेड केबल गया हुआ है, और यहाँ पे जो लगा हुआ है जो ट्रांसफार्मर में आके कनेक्शन हो गया है। और आपको बता दूँ, सेकेंडरी जो यहाँ से निकलेगा तो 440 वोल्ट और 220 वोल्ट निकलेगा। ठीक है, अगर फेस टू फेस 440 वोल्ट आएगा, और न्यूट्रल जो है और फेस 230 आएगा आपके घरों में। ज़्यादातर घर में 230 ही हम यूज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बता दें, आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में बताते हैं कि न्यूट्रल कैसे ये इससे हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल कैसे निकलता है, तो यहाँ पे दोस्तों स्टार और डेल्टा दो कनेक्शन है। ठीक है, स्टार और डेल्टा, तो स्टार में न्यूट्रल निकलता है, ये जी देख रहे हैं, यहाँ से न्यूट्रल प्रोवाइड होता है, जो कि डेल्टा से नहीं होता है। ठीक है, आपको कोई भी क्लियर हो गया है, आपको कोई भी क्वेश्चन करे तो बोलना कि प्राइमरी और सेकेंडरी ये दोनों है ना, प्राइमरी से कभी भी न्यूट्रल नहीं निकलता है, और सेकेंडरी से हम न्यूट्रल निकालते हैं। ठीक है दोस्त, ये क्लियर हो गया आपको कि न्यूट्रल कहाँ से निकलता है, न्यूट्रल हम अपने घरों में कहाँ से लेकर आते हैं। तो स्टार कनेक्शन से आपको बता दें कि हम न्यूट्रल लेकर आते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे अर्थिंग क्या है, और अर्थिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों आपको बता दूं, अर्थिंग जो है आपको घर में कराना बहुत ज़रूरी है। अर्थिंग ये इसका ये फायदा है कि अपने घर में जो भी अप्लायंस लगा हुआ है आपके घर में, उसको अर्थिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी फॉल्टी करंट होता है ना, उसको ज़मीन में ले जाकर ये जीरो कर देता है। इसके लिए एक रड रहता है जो कि स्टील का आयरन का बना रहता है रड, और हम लोग ज़मीन में रिक्वायर के हिसाब से उसको खुदाई करके और वो डालते हैं चारकोल और नमक डालकर, इसको हम अर्थिंग करते हैं। दोस्तों, अर्थिंग जो चार तरह का इंडिया में चार तरह का पॉपुलर है, आपको बता दूँ, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रड अर्थिंग और सोयल अर्थिंग। दोस्तों आपको बता दूँ, ज़्यादातर इंडिया में रड अर्थिंग चलता है। ठीक है, रड अर्थिंग ही ज़्यादातर इंडिया में होता है। दोस्तों, आप जब भी अपना घर बनाए तो अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं लेकिन घरों में अर्थिंग नहीं कराते हैं, तो अर्थिंग से बहुत फ़ायदा है। अभी हम लोग नेक्स्ट जानते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगने का कारण बताएं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूँ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगने का बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मैंने पाँच तरह का आपको बताए हैं। तो इसमें आपको बता दूँ कि जो कि पैनल्स में घर के जो भी अप्लायंस है उसमें आग लग जाता है, क्यों लगता है, एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, पहला, ओवरलोड होने से आग लग सकता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होने से भी आग लग सकता है, लूज कनेक्शन अगर हो आपके घर में तो आग लग सकता है। और आपको बता दें कि फ्यूज जो है 10 एम्पियर का चाहिए, आप 6 एम्पियर का लगाएं, उससे भी शॉर्ट सर्किट होकर आग लग सकता है। और वायर जो है बाहर बाहर आप है एक्सपोज है, तो उससे भी अगर आग कोई किचन में जलाता है कहीं भी हो, तो उससे जलकर आग लग सकता है। और हाई वोल्टेज अगर घर में आता है तो आपका अप्लायंस जो भी घर में लगा है इक्विपमेंट, तो वो ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। इसके लिए आप ओवरलोड प्रोटेक्शन ज़रूर करें अपने घरों में। ठीक है दोस्त, अभी हम लोग फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जानते हैं, मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्त, मोटर स्टार्टर जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए हम लोग जान लेते हैं। पांच तरह का मोटर स्टार्टर हम बताएं इस वीडियो में। एग्जांपल आपको बता रहे हैं, डीओएल मोटर स्टार्टर,
स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्ट स्टार्टर और कैपेसिटर स्टार्टर। ठीक है दोस्त, ये पांच तरह के जो स्टार्टर होता है कि मोटर स्टार्टर इसको हम बोलते हैं। ओके दोस्त, क्लियर हो गया। अभी आपको बता दूं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लें, और आप पुराने व्यूअर हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं इस वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्त, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखना है तो हमारे इलेक्ट्रिकल का रिलेटेड वीडियो बहुत सारे बना कर रखे इस हमारे चैनल पर, आप जाके जरूर विजिट करें, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ठीक है दोस्त, अभी हम लोग जानेंगे पाँच नंबर का क्वेश्चन, सीरीज मोटर में नो लोड पर क्यों नहीं चालू किया जाता है। ठीक है दोस्त, बिना लोड दिए हम ये मोटर क्यों नहीं चालू करते हैं सीरीज मोटर। ठीक है दोस्त, आपको बता दूं, सीरीज मोटर स्टार्टिंग टॉर्क जो है इसका टॉर्क जो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए सीरीज मोटर को हमेशा लोड में ही कनेक्शन करते हैं, लोड में ही चालू करते हैं। जैसे कि ये मोटर जो है ट्रेन में, लिफ्ट में और ये आपको एलिवेटर में लगा रहता है। ठीक है दोस्त, ये अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा तो मेरे चैनल पे जरूर कमेंट करें, और नए व्यूअर है तो जरूर सब्सक्राइब करें।